आप पूरा तो देखो जी, तो आप रस्टिंग देख सकते हैं जी, किसी हिसाब से निकल रही है इसमें। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। आज का जो वीडियो है भाई, जिन ट्रैक्टरों के क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं भाई, वो बहुत सारी सर्विस हमने आपको दिखा दी ट्रैक्टर की, लेकिन आज हम आपको क्लच की सर्विस दिखाएंगे। तो इसमें क्या होगा भाइयों कि किशन भाई, इसका पहले क्लच दबा के दिखाओ भाइयों को हाथ से। तो दिखाओ जी, दबाओ इसे, कितने की जान लग रही है? बहुत फुल ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो भाइयों ये जिन भाइयों के क्लच हार्ड हो जाते हैं जी, वीरो पंजाब वाले वीर जिनका ट्रैक्टर सुपर सीडर से चलते हैं तो अपना तूड़ी वाले रिपर से चलते हैं, तो भाइयों रिपर वाले और सुपर सीडर वाले भाइयों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो भाइयों क्या कमी हो जाती है क्लच में, तो क्लच की सर्विस करेंगे। आपने सर्विस बहुत देखी होगी, पर क्लच की सर्विस आज हम आपको पहली बार दिखाएंगे। इसमें आपका कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना, इसे आप घर पे कर सकते हो भाइयों। ये क्या होता है, क्लच का मामला थोड़ा नाजुक होता है, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या है, कि वीडियो को मिस मत करना। ऐसा मत करना कि कोई चीज़ छूट जाए और उससे आपका जो है कोई नुकसान हो जाए। लेकिन इसी क्लच को हम जो है बहुत ही मालूम है, अगर ऊपर बैठ के पैर से दबा तो सभी ट्रैक्टरों पे ये बात लागू होती है जी। अब ये पैर से दबा के दिखाया देख, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा कैड़ा हो रखा है क्लच, और प्ले भी ख़त्म हो रखी है। तो क्लच की सर्विस करेंगे जी, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो भाई वो कुछ भाई जुगाड़बाजी कर लेते हैं, कोई तान लंबी कर लेता है, कंपनी बहुत ही बढ़िया जुगाड़ देते हैं, लेकिन आपको आज दिखाते हैं कि भाई जो है कैसे कैसे करके इसको हम बिल्कुल मुलायम हो जाएगा जी क्लच, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो पहले क्लच की प्लेटें खोल लेते हैं। तो वीडियो में भाई कोई भी पार्ट मिस मत करियो, जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी मिले, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो इसमें काम होना है वही होना है, और इसमें कोई आपकी ज़्यादा पैसे वैसे कुछ नहीं लगने, बस मेहनत ही है जो आप कर लोगे। जो प्लेट तार रहे हैं इसकी देखते हैं, या तो देखो जी पूरा जंग लगा हुआ है क्लच प्लेट में, और इसकी कंडीशन दिखाते हैं। मिस्त्री साइड वाली प्लेट खोल ले। तो भाई ये क्लच कैडा क्यों ना हो, ये बड़ा नाजुक मसला होता है, तो पूरा जरा रखा है जी इसमें, और ये अक्सर ट्रैक्टरों में मैंने ऐसा ही देखा है कि आ जाता है। बराबर से प्लेट खोल ली है जी, मैं एक बार फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ सारे भाइयों को। तो पूरा जो है इस पर कार्बन जमा हुआ हुआ है, और कोई भी परेशानी नहीं है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे जी, पानी मारेंगे। तो भाइयों पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना, ये ना हो कोई भाई जंग लगा ले क्लच प्लेट में। तो घर का ही पानी है जी, देखो नीचे क्या क्या निकल रहा है। तो इसको जो है घुमा घुमा के आराम से पूरी इसकी कीट निकाल देंगे जी। तो भाइयों इस प्रकार से इसमें पानी चला देंगे, दाब पूरा। तो देखो जी, तो आप रस्टिंग देख सकते हैं जी, किसी हिसाब से निकल रही है इसमें। सैंडर पूरा दबा के लग, पूरा नीचे तक दोनों क्लच। हाँ चल बस, अब ठीक है, अब आराम से छोड़ते रहे। चल चल पूरा दबाया कर। तो देखो जी पूरी गंदगी निकल रही है जी अंदर से। तो भाई इस कदर राख निकल रही है क्लच में से, ये देखो पानी जहाँ तक जा रहा है। तो ये देखो जी भाई, इस प्रकार से जो है ट्रैक्टर को स्लो रेस पे स्टार्ट रखना है, और पूरा क्लच दबाना है और छोड़ना है। तो भाई केवल पानी नहीं लगाना है, उसके आगे जंग को रोकने के लिए क्या करना है वो भी प्रॉपर मैं वीडियो में बताऊंगा। ये देखो इस प्रकार से दोनों ही क्लच जो है डबल क्लच ट्रैक्टर है ये। देखो जैसे ही क्लच दबा दबा के छोड़ रहे हैं, तो और ज़्यादा रस्टिंग निकल रही है। लगभग 10 मिनट हो गए हमें, अब भी रस्टिंग आनी बंद नहीं हो रही है। जब तक है ना क्लीन नहीं होगा क्लच, जब तक जो है इसी तरह से करते रहेंगे। तो ये देखो जी क्लच की रस्टिंग कार्बन निकल रहा है, और ये कहाँ तक आ गया, हमें अभी लगे लगे 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन जब तक ये पूरा साफ नहीं होगा छोड़ेंगे इसको हम भी नहीं। तो भाई खुली खुलाई प्लेट में जो है पूरा ट्रैक्टर को रेस दे के साफ कर लेंगे। और तो भाई वो प्लेटें खुली हुई हैं क्लच की, और जो है पूरा पानी खत्म कर देंगे क्लच प्लेट का।
तो भाइयों इसके अंदर एक बहुत ही नियम है जरूरी, वो जरूर समझ लेना क्लच प्लेट की जो सर्विस है। तो भाइयों अब इसमें लगाएंगे हम जो है 1 लीटर के लगभग डीजल। डीजल किस तरीके से लगाना है जी, ये देखो इसमें ढक्कन में मतलब कि जुगाड़ बना लिया है। तो क्लीनिंग करने के बाद डीजल लगाएंगे जी, और किसी हिसाब से लगाना है, लगभग आधा पौना लीटर डीजल लगाना है। तो स्टार्ट करके जी इसको लगाओ, बैठिए ट्रैक्टर में, बैठिए अंदर, क्लच दबा क्लच छोड़। तो ये देखो जी हमने बना लिया है जी जुगाड़, जिससे कि भाइयों जंग ना आए इस पर, पूरी क्लच प्लेट पे जो है डीजल लगा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, पूरा दबा दोनों क्लच। और लगाओ मिस्त्री डीजल थोड़ा। तो ये देखो तो डीजल ही लगाना है जी। अब आपको जो है क्लच की स्थिति दिखा दूँ एक बार क्या होती। तो किशन मिस्त्री जी ये क्लच चेक करवाओ एक बार हाथ से सारे भाइयों को। तो भाइयों इतना माल मसाला लगने के बाद ये देखो जी भाइयों बहुत ही हल्का क्लच हो चुका है। अब इसकी प्ले को सेट करेंगे दोनों ही क्लचों की। ये देखो जी वाह जी वाह मज़ा आ गया। तो भाई क्लच हो चुका है बिल्कुल एंड फ्री। तो भाइयों ये सर्विस करने का सबसे जो है नियम समझ लो जी एक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी भाई क्लच प्लेट ख़राब ना कर ले भाइयों, पानी मारने के बाद डीजल मारना है। डीजल मारने के बाद भी भाइयों पहले पानी मारने के बाद जो है एक ट्रैक्टर को काफ़ी 10-15 मिनट स्टार्ट रखना है जी, पूरी रेस पर क्लच दबाना छोड़ना है जिससे कि पूरा पानी निकल जाए। उसके बाद भाइयों डीजल लगाना है। जो तीसरा जो स्टेप करना है भाई उसके बाद ट्रैक्टर को खेत में चलाना जरूर है। कोई भी भाई ये सर्विस करके ट्रैक्टर को खड़ा बिल्कुल ना, ये गलती ना कर दियो जी, क्लच प्लेट चिपक भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रैक्टर को पूरा आधा पौना घंटा या एक घंटे तो भाई ट्रैक्टर को चलाना है। बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालना पहले पहले शुरू में, जिससे कि जो है स्लीपिंग का खतरा, जैसे ही ये डीजल ख़त्म हो जाएगा अपने आप मेल्ट हो जाएगा, तो जो है आप ट्रैक्टर को तकड़े लोड पर चला सकते हैं। तो वीरो जो है ये नियम आ जी एदा कि भाई डीजल मार के जो है उस तो बाद ट्रैक्टर चलाना है जी, खेत दे खड़ा नहीं करना है। तो गेयर टेस्ट कर रहे हैं जी क्लच पे, कोई जो है बिल्कुल फ्री क्लच है, इस तरीके से टेस्ट कर लिया करो जी कहाँ पे जाके काम कर रहा है बिल्कुल एंड प्रॉपर एक जगह पे जाके। तो ये टेस्ट कर रहे हैं जी मिस्त्री जी। तो मिस्त्री एक बार हाथ से नीचे उतर के बंद करके ट्रैक्टर को क्लच दबा के दिखाओ अब भाइयों को। लो जी चेक करो क्लच की स्थिति, अभी जो है सर्विस हमने कंप्लीट कर ली है, प्ले वगैरह लो जी। और भाइयों ये जो है अब 800-700 घंटे बिल्कुल है, यानी कि वीरो एक सीजन लिए रेडी हो जाता। तो सुपर सीडर या अपना जिहड़े वीरां दे ट्रैक्टर हज़ार घंटा चल चुके ने, जां तो ज़्यादा चल चुके ने डबल क्लच ट्रैक्टर ने, सुपर सीडर ते स्ट्रॉ रीपर दे सीजन तो पहला ये सर्विस कर लिया करो वीरो। आ नी बिल्कुल नियम वाइज सर्विस करो जी, पहला पानी मारना, उस तो बाद वीरो जो है डी हो अपना पूरी सफाई होने तो बाद डीजल मारना। तो हुण वीरो ये ट्रैक्टर मैं खेत च लैके जाके चलाऊँगा इनू घंटा दो घंटा जी, ना कि डीजल बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो इसमें क्या खर्चा आया जी हमारा, 1 लीटर से भी कम डीजल का खर्चा आया या हमारी मेहनत आई। तो ये छोटी मोटी चीज़ें भाइयों घर पे ही कर लिया करो, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जल्दी मिस्त्रियों के पास ना भागा करो, और कुछ जो भाई सभी मिस्त्री ऐसा नहीं करते, अगर क्लच हार्ड हो जाता है तो क्लच को बहुत जल्दी खोलने की कोशिश करते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, तो भाई स्लिपेज हो जाती है। क्लच प्लेट बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, मैं कहता हूँ ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पार्ट है वो क्लच प्लेट ही है, सबसे जल्दी ख़राब होने वाली। तो इसको एक बार जो है सर्विसिंग ज़रूर कर लिया करो, और सर्विस जो इसकी मान लीजिए ऐसे ही हमने ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया अभी, तो हो सकता है कि क्लच प्लेट चिपक भी जाए।
तो इसका जो नियम है नियम के हिसाब से सब कुछ करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। धन्यवाद जी। काम है जी ऑफ सीजन में बिल्कुल नहीं करने वाला, मान लो खेतों में काम है नहीं और आपने सर्विस कर ली, अब इसको घंटा दो घंटा बड़े अच्छे तरीके से कम लोड पे चलाएंगे जिससे कि जो है डीजल वगैरह सारा खत्म हो जाए। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।